सरकार किसकी है? अरे जिसने टैक्स दिया है, जो टैक्स देता है। आज यदि मैं कहने को सब जानते हैं, इसलिए कहना उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लाई है, तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 3.75 लाख रुपया महीना, लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, उसमें से हर महीने 3.75 लाख निकल जाता है, बचा कितना? और जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और उन सबको मिलता है, कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज्यादा मिलता है। मैं इसकी बात का उल्लेख केवल इसलिए कि ये जो टैक्स पेड हैं, आखिर इन्हीं से विकास होना है, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा होगा, अपना आपका होगा। कहीं ना कहीं धैर्य दे करके, कहीं ना कहीं आवेश में, ये मैं राजनीति की बात नहीं करता हूँ, संवैधानिक पद पर हूँ, लेकिन मेरा किसी राजनीतिक दल से संवैधानिक पद पाने के बाद लगाव नहीं। मेरे लिए हर, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो, हर राजनीतिक दल के, और मुझे कभी कभी संतोष होता है कि शायद मेरे से जो दूसरे दलों के लोग हैं वो ज़्यादा आत्मीयता और प्यार करते हैं। मैं इस बात का केवल उल्लेख इसलिए किया कि राजनीतिक दल आते हैं, विकास की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं अपने, उसमें उनका स्वार्थ भी होता है, देश क्षेत्र का भी स्वार्थ है, आपका भी स्वार्थ है, देश का भी स्वार्थ है, लेकिन कम से कम आप तो उस स्वार्थ से ऊपर उठे। आप ऊपर उठेंगे, सोच समझ करके आप वोट करते हैं और ठीक से जो